अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जवार स्पोर्ट। दोस्तों, शुएब अख्तर भी शर्जील खान के हक़ में बोल पड़े और उनका कहना था कि शर्जील खान को खुदा का वास्ता आप वापस लाओ और अपनी टीम में शामिल करो और टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। जबकि फ़खर जमान के साथ शर्जील ओपनिंग करेंगे तो पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्म देगी। दोस्तों, उनका मज़ीद क्या कहना था, ये मुकम्मल तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने जवार स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट के रिलेटेड सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर भी शर्जील खान के हक़ में बोल पड़े। शुएब अख्तर का कहना था कि शर्जील खान को वापस लाओ। उनका मज़ीद कहना था के जब पाकिस्तान की टीम में मुश्किल से टारगेट चेस करती है तो पाकिस्तान की टीम में इतनी असलियत नहीं है। कि उनका कहना था कि पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो बाहर बैठे हैं, उनको टीम में वापस लाना होगा तभी पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस देगी। शुएब अख्तर का मज़ीद कहना था कि वकार यूनस और मिसबाह उल हक ने शर्जील खान के करियर को ख़राब किया है। मिसबाह उल हक और वकार यूनस को शर्जील खान को टीम में वापस लाना होगा और चीफ सेलेक्टर को इस पर नज़रसानी करनी होगी कि शुएब अख्तर को शर्जील खान को टीम में वापस लाया जाए। तो दोस्तों, ये शुएब अख्तर का बयान था कि शर्जील खान को आप टीम में वापस लाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि क्रिकेट के रिलेटेड सबसे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।